अपनी ही आंखों पे विश्वास करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि ओए इधर आ, वो कैसी आवाज आ रही है जूतों में से, चपाक चपाक। रोड पे अपन चल रहे हैं ना, मतलब इस पे तो व्यू पॉइंट्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग भाई। तो आज है 15 अगस्त और सुबह के बज के छः मिनट हो गए हैं भाई। और जो है ना, अपन एक बार फिर से निकल गए हैं भाई राइड पे। और इस बार जो है ना, अपने भाई लोग जा रहे हैं साथ में। सौरभ जा रहा है, अभी आ ही रहा होगा, दानिश है, सैफ है, निशांत है, बस यही है, ठीक है। उसके अलावा मैंने कुछ डाला था व्हाट्सएप पे, स्टेटस लगाया था कि भाई अगर किसी को चलना है तो चलो, टाइम बता दिया था, प्लेस बता दिया था। अगर भाई लोग सुबह अगर अपनी नींद छोड़ कर आएंगे और हमारे साथ चलना चाहेंगे तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उससे पहले जो है ना, भाई भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, ठीक है। उससे पहले ना भाई, ये खड़ी है अपनी बाइक। एक बार इस पर एक छोटा सा अपडेट है वो बता देता हूँ। इधर भाई फ्लैग लगा लिया क्योंकि भाई हम अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आगे की लाइट जो है ना, वो अपन ने चेंज कराई थी, ऑन करके दिखाता हूँ। हो जा, हो गई। तो भाई अपन ने आगे की हेडलाइट जो थी वो पूरी चेंज करा दी थी। ये है HJG की लाइट है जिसमें ऊपर नीचे LED लगी हुई है। और भाई स्प्रेड और फोकस भाई बहुत अल्टीमेट है, बहुत अल्टीमेट है। ऑन करता हूँ एक बार बाइक को, ये ऑन हो गई। लेकिन अभी आप देखना एक चीज़, ये ना लाइट ऑफ हो जाती है, वो इसलिए होती है क्योंकि तुम्हारे भाई ने इसके अंदर एक डिवाइस लगा रखी है जो नोवाट्रॉनिक से मंगाई थी। 5 सेकंड के बाद जो है वो लाइट ऑफ हो जाती है, सो दैट पूरे दिन अपनी LED ना जले। अपने को जलानी हो तो 5 सेकंड के लिए अपने को हाई बीम करके रखनी पड़ती है और लाइट ऑन हो जाती है, सो दैट सौरभ भाई निकले चले। अरे हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो भाई सौरभ रेडी, बाकी सब लोग आ गए, तुरंत निकलते हैं और फिर बाइक पे ही मिलते हैं। और लेकिन भाई आज अपन ने पेट्रोल नहीं डलाया था, तो पहले ना पेट्रोल डलाएंगे फिर आगे निकलेंगे। यहाँ पे तुम्हारे भाई का लोगो आ गया, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले देख लो, नाम भी पढ़ लो भाई, वैसे वीडियो देख ही रहे हो बट फिर भी पढ़ लो। चलो कोई भैया है क्या, लेट्स सी। सर कौन भरेगा? आ जाओ, फुल कर दो। तो भाई ऑल सेट टू लीव, निशांत भाई पहुंच गए। एक्चुअली क्या था, जय हम भी जब हमारी पहली राइड थी ना, तो मैं और सौरभ जब निकले थे फर्स्ट टाइम राइड पे, तो हम ना 1 घंटे पहले पहुंच गए थे। तो ये जो एक्साइटमेंट होती है ना पहली बार राइड पे जाने की, और आपको नहीं पता होता क्या है कैसे। वैसे हमारा 6:30 बजे का डिपार्चर टाइम था और टाइम जो है भाई 6:19 हुए हैं, 10 मिनट में हम लोग पहुँच जाएंगे। तो भाई वी आर ऑन टाइम और निकल रहे हैं, और आज भाइयों के साथ करने वाले हैं फुल मस्ती। 6-7 घंटे का आई थिंक ये ट्रिप जो है हमारा अप डाउन होने वाला है। 2 घंटे जाना, 2 घंटे रुकना, 2 घंटे आना और शायद आधे घंटे खाना, सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगी भाई। देखेंगे अब क्या करते हैं, पहले चलते हैं और सीधा जो है ना, अब मैं निशांत के साथ मिलता हूँ। बाय। नहीं बाय नहीं, रुको रुको, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहले। तब तक अपने को ऐसी रोड चाहिए क्योंकि बारिश जो है वो वापसी में हो जाए तो चल जाएगा, वरना भैया जाने का आनंद थोड़ा कम पड़ जाएगा। अरे आज तो भाई फ्लैग क्या जोरदार लग रहा है, आज 15 अगस्त है ना इसलिए फ्लैग लगा हुआ है, वरना यहाँ पे ना थोड़ा लेट फ्लैग ऑफ करते हैं। बट भाई इट्स लुक अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। और अपन वहीं पहुंच गए भाई हमारे मीटअप पॉइंट पे, निशांत भाई यहाँ पे खड़े हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सबको, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलते हैं भाई आज, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे है ना। और भाई आजादी मिल गई क्या तुम्हें? नो है, क्या तुम आजाद हो? नो, अपने आप से पूछो। आजाद देश के गुलाम नागरिक है। पहले अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था, अब किसने बना रखा है? अब तो भाई बीप डालनी पड़ेगी मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो भाई फाइनली हमारी इंडिपेंडेंस डे राइड जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, शहीद स्मारक नया पूरा से। निशांत भाई MT के ऊपर, दानिश और सैफ जो है वो है पल्सर 150 के ऊपर, तुम्हारा भाई है क्लासिक के ऊपर। और प्लान बन गया है, यहाँ से जा रहे हैं बिसलपुर जो करीब 110 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा,
पहला स्टॉपेज जो है वो अब अपन रुकेंगे पेचकी बावड़ी का टोल क्रॉस करने के बाद हाईवे नेस्ट पे, वहाँ पे चाय पियेंगे इस बार, क्योंकि भाई थोड़ा लंबा जाना ना तो थोड़ा खींच के चलना पड़ेगा अपने को। भाई पता नहीं कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, लेकिन आगे जो है ना मुझे लग रहा है कि बहुत भयंकर वाली बारिश है, मुझे ऐसा लग रहा है, और थोड़ी थोड़ी बूंदें भी स्टार्ट हो गई हैं। तो भाई ये कैमरा जो है ना फिर अपने को अंदर रखना पड़ेगा, क्योंकि इस कैमरे का रिस्क नहीं ले सकते, फ़ोन तो वाटरप्रूफ है। बिल्कुल कॉल हो रहा है आगे, भाई रुक जाए तो हो गई शुरू। अब ये कैमरा पहले मैं अंदर रख लूँ, उसके बाद देखते हैं भाई क्या होगा। भाई ये देखो, ये दिख रहा है नहीं नहीं पहन लो रेनकोट पहन लो ओए इधर आ, वो कैसी आवाज आ रही है जूतों में से, छपाक छपाक तो भाई पूरा ना छपाक छपाक हो गया। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी, लेकिन हम ना पिछले 50 किलोमीटर से इसी बारिश के अंदर, मतलब वी हैव कवर्ड 80 किलोमीटर सो फार, लेकिन जो भाई 50 किलोमीटर है ना पुराने, अभी 50 किलोमीटर से लगातार और इतनी ज़बरदस्त बारिश है ना कि भाई पूरी मतलब बैग बच गया अंदर से, बैग बच गया लेकिन अपनी भाई मतलब इसी को बोलते हैं भाई एडवेंचर है, क्यों वो कहाँ गया, आजा आजा आजा। अच्छा ये जो सारा पानी है ना ये आप बूंदी में ही रहा है, कोटा के अंदर नहीं पड़ रहा पानी, इतना कोटा सूखा हुआ है और बूंदी लब लब हो रहा है। कोई भी दिल पे मत लेना भाई, चाय ऑर्डर कर दे यार गर्मा गर्म। देख रहे हो भाई, ये देख रहे हो नज़ारे कुदरत के सामने, इतना ब्यूटीफुल है यार, कितना ज़बरदस्त लग रहा है ना, मतलब बताओ हमें ही नहीं, हम कोटा में रहते हैं, और ये देखो बाइक कितनी चली है मैं बताता हूँ अभी, 109 किलोमीटर, हार्डली 110 किलोमीटर हमारे घर से दूर, इतनी खूबसूरत जगहें हैं और हमें पता ही नहीं है। लेकिन अब जब हम अपने इस काम में निकले हैं तो हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी हिल स्टेशन वाली जगहों पे आ गए है ना, और भाई मतलब नेक्स्ट लेवल है यार, बहुत ही अमेजिंग है, मतलब आई एम एंजॉयिंग माय लाइफ, थैंक यू ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्र है भाई, बहुत नहीं भाई ये मनाली नहीं है, ये हमारा राजस्थान है, लोकल मनाली नहीं, लोकल मनाली नहीं है भाई, हमारा राजस्थान है, क्या बोलते हैं भाई, सब छोड़ो पहले सामने का व्यू एंजॉय करो। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं अपने आप को ना रिकॉर्ड करने से नहीं रोक पा रहा हूँ, मतलब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो कितना लंबा जाएगा और मैं इसको कितना क्रॉप कर पाऊँगा, लेकिन अभी जो मैं फील कर रहा हूँ ना, आई रियली वॉन्ट कि मैं ये सबको दिखा सकूँ भाई, मतलब इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस, और मैं पता नहीं कितनी बार ब्यूटिफुल वर्ड का जो यूज़ है ना वो मैं कर चुका हूँगा, शानदार सी ऐसी, हम तो खैर आते ही, हमारा तो शौक है भाई ऐसे ट्रेल्स के ऊपर आना, उसमें तो अपने को मज़ा आता ही आता है, बट जितना आगे चलते चले जा रहे हैं ना भाई उतनी खूबसूरती जो है वो इस जगह की बढ़ती चली जा रही है भाई, क्या ज़बरदस्त चीज़ है, मतलब सौरभ वो सामने देख रहे हो, सामने क्या है
हैं? उधर क्या है पता नहीं भाई, लेकिन मतलब बिल्कुल ही कुछ डिफरेंट है यार। चलो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर ना यार, अरे भाई कहाँ आ गए यार। हाँ कुछ तो है, रुको चलो। क्योंकि भाई जहाँ पे अभी हम हैं ना, मतलब ये यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि हमारे घर से 100 किलोमीटर दूर पे हमें, हमारे पास मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं अभी तक, ये अनएक्सप्लोर्ड थी यार हमारे लिए। मतलब दिस इज़ बिसलपुर। बिसलपुर मतलब देवली और टोंक के बीच में पड़ता है, हार्डली हमारे कोटा से 110 किलोमीटर। बट वॉट अ ब्यूटिफुल प्लेस यार, मतलब क्या बोलोगे आप इसको, ये देखो ये देखो, क्या बोलोगे आप इसे भाई, इतना ब्यूटीफुल है ना कि, और इतनी शांति है, इतनी शांति है। अब मैं क्यों शांत हो रहा हूँ, ये देखो ये देखो देखो भाई, इतना मज़ा आया ना मतलब निकल के। अच्छा हुआ कि हम यहाँ पे आए, अच्छा हुआ कि हम वहाँ पे नहीं गए, वरना हमारे से ये जगह छूट जाती। और चार पांच लोग हैं हमारे लिए काफ़ी हैं भाई। आप चलते हैं डैम की तरफ और एक बार डैम देखते हैं चल के भाई। ऑनेस्टली ना अपनी ही आंखों पे विश्वास करने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि आपको ना कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा, जिस वजह से अभी इतनी तेज़ बारिश है। और एक्चुअली जो डैम है ना वो इस तरफ है, ये सामने, मैं कोशिश करता हूँ अगर आपको दिख सके तो। ओके, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा दिखेगा। मैं वहाँ पे भी अभी ऊपर जाऊँगा, अगर पता नहीं वहाँ पे जाने की परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन भाई अभी यहाँ थोड़ा सा शेड के नीचे रुका था सो देट जो है अपन वीडियो बना सके। बट इट इज़ डैम गुड प्लेस यार, मतलब वर्थ हो गया मतलब यहाँ पे आना। मेरा तो भाई हर संडे ऐसे ही हो रहा है कि शानदार मज़ा आ रहा है। एक बार भाइयों के पास चलते हैं भाई, यकीन नहीं हो रहा ना, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। हाँ आप यहीं पर ही काम करते हो, घूमने आए हो, कैसा लगा? बढ़िया है। भाई अगर बारिश नहीं होती ना तो और मज़ा आ रहा होता, मतलब आगे कैमरा नहीं लगा पा रहे ना अपन। बट ठीक है यार, जो भी है हमारा इन्जॉयमेंट जो है ना वो पूरा बराबर है। लेकिन भाई अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है ना तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारा भाई बारिश के अंदर खड़े होकर वीडियो बना रहा है अभी, ठीक है, तो उस बात का मान पूरा रखना है। लाइक चाहिए भाई इस वीडियो के ऊपर बहुत सारे अपने को, ये देखो। चलते हैं अभी वहाँ पे चलते हैं। तो भाई फाइनली अपन जो है ना वो बिसलपुर डैम के ऊपर पहुँच गए हैं। यहाँ से जो है डैम का जो है रास्ता जो है पूरा शुरू हो जाता है और उधर तक जो है पूरा डैम है। यहाँ जाना मना है, मतलब कभी सिर्फ जो है ऑफिशियल्स ही जा सकते हैं, अपन लोग नहीं जा सकते। नीचे जाके एक मंदिर है, बट क्योंकि अभी बारिश का टाइम है तो काफ़ी स्लिपरी हो रहा है, इसलिए अपन नीचे नहीं जा रहे हैं। बट भाई फाइनली ये देख लो, ये सारी चीज़ें और क्या, हाँ नीचे जो है वो ये मंदिर है, आप एक बार पढ़ लो, ठीक है, आप जा सकते हो जाओ तो। लेकिन थोड़ा स्लिपरी है तो इस वजह से हम अवॉइड कर रहे हैं। और बारिश भी जो है भाई वो बहुत तेज़ हो रही है, और यकीन ना है तो देख लो। लेकिन भाई यहाँ तक आना ना हमारा पूरा जो है वो वसूल हो गया, और हाँ हमारा छपाक रह गया था, तो प्लीज़ डू छपाक। वेरी नाइस, ठीक है। तो भाई ये जो चीज़ है ना, मतलब ये एक्सप्लोर करना, ये बारिश में घूमना, शायद बचपन को ऐसा लग रहा है कि दोबारा जीने निकल पड़े हम। और भाई मतलब शब्द नहीं है, बस जो फीलिंग्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और भाई बस क्या बोलूँ अब मैं, वीडियो को भाई यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, ठीक है। बारिश बहुत ज़्यादा है, फ़ोन को अंदर रखेंगे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और भाई इन भाइयों के नाम पे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। सैफ, सौरभ, निशांत, दानिश, ठीक है, कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय बाय, ठीक है, बाय।